गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप कुड़ी सफियन। मैं हूँ सफिया। मेरी मेकअप कलेक्शन लेकर आई है, मैंने 2019 में कलेक्ट किया है। करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी इन फ्यूचर्स की वीडियोस आप नोटिफाइड रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके साथ शेयर करूंगी मेरी जो मेकअप कलेक्शन है 2019 में, मैंने जो जो कलेक्शन किया है तो उसके लिए मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसा कोई मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं किए थे इस वीडियो के लिए, बट मैंने अपनी खुद की मन से बना रही हूँ। तो एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं हैं और एक नॉर्मल गर्ल की तरह मेरे पास कम भी नहीं है। तो मैं जस्ट 2019 से ही मेकअप कलेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ मैं कलेक्शन करना। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। मेरी जो सारी मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं इसे यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। ऐसा मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा ही मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं कुछ इसी तरह से एक मेरी अलमीरा में एक जगह है वहाँ पे मैं इसे जमा के रखती हूँ। कुछ इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। सो, कोई भी बैड कमेंट्स मत कीजिएगा क्योंकि इस तरह से थोड़ी सी मेसी आपको दिखेंगी। मैं बहुत ज़्यादा स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज बॉक्स लूँगी, बट फिलहाल के लिए तो कुछ ऐसे ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दिस कॉर्नर से। तो यहाँ पे मोस्टली मेरे जो भी मेकअप के ब्रशेस है, यहाँ पे फेस ब्रशेस एंड यहाँ पे आई ब्रशेस है, यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये वाला बॉक्स मैंने परचेस किया था, हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट है यहाँ पे, तो ये वाला है बॉक्स यहाँ पे। एंड यहाँ पे है मेरी फेस ब्रशेस, कुछ नए भी है कुछ पुराने भी हैं। यहाँ पे आपको फेस ब्रशेस मिल जाते हैं, यहाँ आपको छोटे छोटे जो फेस ब्रशेस आई ब्रशेस है सॉरी तो ये वाले मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे मेरी जो मोस्टली जो सारे जो मेरी फेस ब्रशेस है वो आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे है मेरी फेस ब्रशेस की स्टोरेज, यहाँ पे मैं ऐसे स्टोर करके रखती हूँ। जो नए वाले है वो पैकेजिंग में है, जो मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे या फिर जो भी कभी कभी यूज़ करती हूँ तो मैं यहाँ से ले पिक करके लेती हूँ एंड नए वाले आपको पैकेजिंग में मिल जाती है देखने को, ठीक है। तो चलिए इस वाले में आ जाते हैं। कॉटन पैड से एंड यहाँ पे मेरी पॉन्ड्स की लाइट मॉइस्चराइज़र एंड यहाँ पे मेरी हेयर ऑयल है तो इसे इग्नोर कर दीजिए। एंड यहाँ पे मेरी लिप बाम की जो पैकेजिंग है वो है, एंड यहाँ पे मुझे पर्पल की तरफ से एक मिला था कार्ड, तो दिस वन मैंने इसे संभाल के रख दिया है। तो इस वाले में देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक स्टोरेज है ओपन स्टोरेज। तो यहाँ पे मेरे पास मॉर्फी की मेरी जो पैलेट है आई पैलेट तो वो है, एंड यहाँ पे मेरी नेल रिमूवर है, मेरे कोई जगह नहीं है मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी कुछ खाली स्प्रे बॉटल है, मैंने परचेस किया था और मैंने इंगेज की परफ्यूम स्प्रे की बॉटल में रख दिया। एंड यहाँ पे मेरी डीओ परफ्यूम है एंड यहाँ पे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे लैक्मे 95 के आईलाइनर, यहाँ पे स्विस ब्यूटी की कंसीलर, यहाँ पे मूस फाउंडेशन, यहाँ पे मूस फाउंडेशन, यहाँ पे स्टे कोरकी की जो फाउंडेशन है ये आपको मिल जाती है। नीचे का आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे है मेरी जो गुड वाइब्स की चॉकलेट लिप स्क्रब एंड व्हाइट टोन की, यहाँ पे आपको लूज पाउडर मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको लैक्मे की एंड यहाँ पे है कियासेट की लूज पाउडर एंड यहाँ पे मेरी कॉम्पैक्ट है लैक्मे की, मेबलिन की एंड अगेन लैक्मे एब्सोल्यूट की। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से शो करके रखा है। एंड यहाँ पे मेरी आई पैलेट है, अब मैंने आपको दिखाया तो इस वाले में कुछ इस तरह से है, मैंने यहाँ मेरी रबर बैंड पड़ी हुई है। तो यही मेरी इस वाले कॉर्नर पे आपको दिखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वाले में जाते हैं। ये वाला जो जो सोपी से मैंने खुद अपने हाथों से सीडी से बनाया है, सीडीवीडी प्लेयर की जो कैसेट होती है उससे मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिया है, यहाँ पे दो छोटे छोटे क्यूट क्यूट सी डॉगी के शेप का एक बॉटल पड़ा है, यहाँ पे मेरी जो एलिटिन का नेल पॉलिश एक गिर गया था, तो यहाँ पे मेरी एक लिपस्टिक है एंड इसके सेकेंड वाले रॉ में आपको मिल जाती है लैक्मे
की इंस्टा आईलाइनर, यहाँ पे एक लिपस्टिक, पीछे आपको लैक्मी एनरिच की लिपस्टिक, यहाँ पे एनवाईवे की जो आईलाइनर है आपको दिखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगी मेरी एलिटिन की कलर पॉप मैट लिपस्टिक, एंड पीछे आपको नेकलाइन की मिल जाती है, एंड यहाँ पे मेरे थर्ड वाले रॉ में आपको लिक्विड लिपस्टिक मिल जाती है, यहाँ पे काइली जेनर का है, यहाँ पे हुडा ब्यूटी का, एंड यहाँ पे मेरी नेल ग्लू आपको दिखने को मिल जाती है। तो ये वाला जो रॉ है तो मैंने खुद अपने हाथों से DIY करके बनाया है, तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे मेरी वैसलीन की दो दो बॉटल है, क्योंकि विंटर चल रही है तो वैसलीन होना ही चाहिए, एंड यहाँ पे आपको बोरोलिन मिल जाती है आपको देखने को, एंड इस तरफ आपको मेरी आईब्रो की पोमेड एंड आईब्रो की जो पाउडर है आपको देखने को मिल जाती है, एंड नीचे आपको म्यूजिक फ्लावर की जो आईलाइनर है जेल वाला तो यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर अलग से शेयर करूँगी, तो आप देख लेना ठीक है, बता दूंगे ताकि आप पीछे की भी देख सके। तो मैंने इसे साइड पे लगा दिया है, तो यहाँ पे मेरी मोस्टली जो मेरी स्किन केयर की सामग्री है वो आपको दिखने को मिलेगी। यहाँ पे है मेरी रोज़ गुड वाइब्स की रोजी पॉयल, और यहाँ पे है मेरी इंस्टीट्यूट की हैंड क्रीम, यहाँ पे आपको मिल जाती है मेरी क्यूकम्बर टोनर, यहाँ पे है मेरी बनाना सैंड कंडीशनर, यहाँ पे है मेरी चारकोल, यहाँ पे मेरी बॉडी लोशन, यहाँ पे बॉडी लोशन के नीचे है बायोटिक का डैंडलेशन सीरम, यह बायोटिक का हनी वाटर, यहाँ पे है प्लम का फेस वॉश, यहाँ पे आपको मिल जाती है मेरी गुड वाइब्स की टी ट्री एंड पपाया फेस सीरम, यहाँ पे आपको फेस मिस्ट मिल जाती है, यहाँ पे इसकी बॉटल है, यहाँ पे आपको छोटी सी लिप बाम दिखेंगे, एंड यहाँ पे मेरी मसलर वाटर है, यहाँ पे निविया की डिओड्रेंट है, यहाँ पे बायोटिक का बायोफ्रूट का जो फेस पैक आता है वे वाला है, एंड यहाँ पे चारकोल का दो है, एंड यहाँ पे मेरी लोटस का जो फाइटो आरएक्स का टोनर है वो यहाँ आपको दिखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पे पाम का फेस वॉश। तो इस कुछ इस तरह से मेरी जो ये वाली सेक्शन है वो ख़त्म हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स या फिर स्किन केयर नहीं, मैं जो डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी, एंड मेरी मेकअप कलेक्शन मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। कैमरा थोड़ी सी शेक कर रही है क्योंकि मैं एक हाथों से कैमरे को पकड़ी हुई हूँ मोबाइल को, और दूसरे हाथों से मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे मेरी दो जो हेयर ब्रशेस है वो आपको मिल जाती है दिखने को, यहाँ पे दो है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो सारे क्लचर क्लिप्स है, मोस्टली मैं सारे ब्लैक कलर की ही क्लचर यूज़ करती हूँ, यहाँ पे एक छोटू सा प्यारा सा लव काइंड ऑफ कुशन है, तो उसके ऊपर मैंने अपनी जो हेयर एक्सेसरीज है जैसे कि हेयर बैंड, यहाँ पे मेरे हेयर बैंड है, यहाँ पे हेयर बैंड है, ये वाला मेरा हेयर बैंड है, तो मैंने कुछ इस तरह से इसे सेफ्टी पिन की मदद से इसे मैं हैंग करके रखी हुई हूँ। तो ये मेरी लिपस्टिक है NYV की जो लिपस्टिक है, यहाँ पे भी NYV की लिपस्टिक, एंड यहाँ पे NYV रनवे की लिपस्टिक, यहाँ पे NYV की कॉन्टोर, कैमरा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एंड यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक कलर है जो जिससे मैंने ये वाला कलर किया था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, एंड यहाँ पे मेरी आईलैश कलर है। तो यहीं पे ख़त्म होती है मेरी ये वाला सेक्शन, तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास कुछ यही प्रोडक्ट है, तो चलिए देखते हैं, मैं इसे हटा के रख देखती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने एक DIY मैंने खुद से एक स्टोरेज बनाया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको, तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मेरी जो नाइट लोशन है गुड वाइब्स प्लस का, तो वो है, तो मैं इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ, सब गिर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास है लिफॉन का सेकंड स्प्रे सीरम, यहाँ पे डाबर गुलाबरी की गुलाब जल, यहाँ पे मेरे पास है ग्लिसरीन, एंड यहाँ पे है मेरी ADS का आई पैलेट, एंड यहाँ पे है मेरी ब्लू हेवन का प्राइमर, यहाँ पे पर्पल का 24 कैरेट प्राइमर, यहाँ पे है मेरे पास क्या है, हिमालय का नीम पैक, एक्ने के लिए बहुत अच्छा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। तो ये वाला पे मैंने एक्स बॉक्स रखा था, इस वाला में मेरे इस कुछ इस तरह से है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ड्रॉयर में क्या क्या है।
ये वाला जो नाइट क्रीम नाइट लोशन है मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पे दूंगी, तो स्टे ट्यून। एंड कुछ इस तरह से इसे निकालने के बाद आपको यहाँ पे मेरी आई लैशेस मिल जाती है, आई लैशेस ग्लू मिल जाती है, कुछ हेयर एक्सेसरीज, मेरी ब्यूटी ब्लेंडर, एंड यहाँ पे मेरी हेयर की डोनट ईयरबड्स एंड कॉटन पैड्स आपको मिल जाती है। यहाँ पे मेरे आई लैशेस हैं तो ये पूरा नहीं खुला जाता क्योंकि यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरी चोकर है। मैं आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन भी दिखाऊंगी 2019 का, तो बताना आपको देखना है तो। और मेरे पास यहाँ पे आई की ग्लू, तो ये वाला कुछ रैंडम सी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये वाला स्टोरेज बॉक्स मैंने खुद से DIY करके बनाया है, सो अगर आपको देखना है तो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने मेकअप को यहाँ पे स्टोरेज करके रखती हूँ। तो नेक्स्ट अब बारी आती है इस वाले की, तो ये वाला भी मैंने कुछ अपने DIY करके मैंने स्टोरेज बनाया है ऐसा। तो यहाँ पे है मेरे पास गुड वाइब्स हवाना मैंगो जेल, गुड वाइब्स मैंगो हवाना जेल, पता नहीं कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा है। यहाँ पे हिमालय के ग्लो फेस सीरम, तो मेरे हैंड्स को इग्नोर करना, ये थोड़ी सी जल गई थी। एंड यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉबेरी एंड पेपरमिंट की एक स्क्रब है। एंड यहाँ पे है मेरे पास ये भी, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉबेरी का स्क्रब है, तो कुछ इस तरह से है मेरे पास। एंड यहाँ पे है मेरे पास एनवाईवे की जो कंसीलर है वो है, एंड एनवाईवे की जो रनवे की जो कंसीलर कॉन्टोर स्टिक है वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास इस वाले स्ट्रॉ में मेरे पास ये यहाँ पे फेक नेल्स, ये मैंने एक इंस्टा स्टोर से मंगाया था जो कि है अफोर्डेबल ब्यूटी स्टोर, आपने अभी तक नहीं चेक किया तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड यहाँ पे है मेरे पास मार्स के आईब्रो पाउडर, यहाँ पे है मेरे पास निका की आई शेडो पैलेट। तो ये जो सारे मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने 2019 में ही परचेस किए हैं एंड इसे स्टोर करके रख रही हूँ, ये कुछ मेरी पहले का नहीं है, ये मैंने 2019 में ही परचेस करना स्टार्ट किया था यूट्यूब के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट, ए वाला पैलेट मेरे पास पहले से था, मैं इसे पहला ही जो आई शेडो पैलेट है इसे मैंने परचेस किया था। एंड यहाँ पे है मेरे पास मालियो की हाइलाइटर एंड ब्लशर पैलेट, यू कैन सी बहुत अच्छे पिगमेंटेशन है, यू कैन गो फॉर इट। यहाँ पे है मेरे पास वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर, यहाँ पे मेरे पास वेट एंड वाइल्ड की कलर आइकन प्लस, तो मैं थक गई। तो ये वाला कुछ इस तरह से रॉ में है इस ड्रॉयर में, तो मैं इसे यहाँ पे रख दूंगी अच्छी तरह से, क्योंकि मैं इसे यहाँ पे ही रखती हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी छोटी पड़ रही है तो इसलिए। एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरी सारी जो कोम है वो है, कुछ ट्विज़र है यहाँ पे, मैं डेली बेसिस पे जो भी कोम यूज़ करती हूँ तो इसमें कुछ कोम है, यहाँ पे ट्विज़र है, एक नेल कटर है, तो ये वाला भी मेरा ख़त्म होती है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको एक मग मिल जाएगी, तो इसमें मोस्टली सारे मेरी लिप पेंसिल आई पेंसिल्स है, सो यू कैन सी कुछ इस तरह से है। कप मुझे बहुत अच्छे लगे, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेस किए थे, तो यहाँ पे मेरे पास आपको मिल जाती है एक आईलैश मस्कारा, मेरे पास एक ही फिलहाल के लिए मस्कारा है। एंड यहाँ पे मेरी आईब्रो पेंसिल, यहाँ पे EDS का जो 36 आवर्स का जो आई पेंसिल जेल आई लाइनर है वो है, यहाँ पे लैक्मी की आई लाइनर है, सॉरी काजल है, यहाँ पे NYV की आईब्रो पेंसिल है, यहाँ पे मेवलिन का जो काजल है वो है, यहाँ पे आपको मिल जाती है लैक्मी की अगेन सॉरी NYV की काजल, यहाँ पे आपको मिलता है एक आई लाइनर, यहाँ पे है ब्लू हेवन का जो स्केच आई लाइनर है वो, यहाँ पे आपको मिल जाती है मेवलिन का, है आपको NYV की जो काजल है ग्रीन व्हाइट एंड गोल्डन एंड ब्लू कलर में तो वे है। एंड यहाँ पे सारी मेरी MN की जो लिप पेंसिल है 12 कलर की, तो यहाँ पे मैंने स्टोरेज करके इसे रखा है, वो कैन सी बहुत अच्छे एंड बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये वाला जो मेरा कलेक्शन है। तो मुझे लिप पेंसिल बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैंने एक पूरा जो बॉक्स है उसे ही परचेस कर लिया,
तो यहाँ पे मेरे सारे जो मोस्टली जो मेरे आई पेंसिल यहाँ पे वगैरह जो है आई पेंसिल लिप पेंसिल तो मैं यहाँ पे रखती हूँ। मेरे पास फिलहाल के लिए एक ही मस्कारा है तो इसलिए मस्कारे को मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ। यहाँ पे आई यू कैन सी माय पूरा जो मेकअप कलेक्शन है। एंड नीचे की ड्रॉर में थोड़ी सी आपको मिल जाती है यहाँ पे मेरी कॉटन पैड्स लाइनर, यहाँ पे फ्लिपकार्ट की एक बॉक्स, यहाँ पे आपको मेरी एक बैंगल्स कलेक्शन की बैग मिल जाती है। तो इफ़ यू वांट टू सी माय बैंगल कलेक्शन तो प्लीज़ कमेंट मी। एंड यहाँ पे मेरी जो सारे मेकअप प्रोडक्ट्स है वो ख़त्म होती है। यहाँ पे मेरी एक बॉक्स थी मेकअप की तो वो मुझे अभी दिख नहीं रही है, तो मैं कुछ इस तरह से अपनी मेकअप कलेक्शन को स्टोर करके रखती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है बट मुझे अच्छा लगता है मेकअप को कलेक्ट करना एंड इसे स्टोर करके रखना। आपको कैसा लगा मेरा मेकअप कलेक्शन प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं इसे ठीक करके आपको फिर से दिखाती हूँ। तो कुछ ये रही मेरी फाइनल जो मेकअप की कलेक्शन है इसकी लुक। तो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। तो मैं आज से रेगुलर वीडियो शूट करूँगी एंड रेगुलर पोस्ट करूँगी। होप आप सबको अच्छे लगेंगे। स्टे ट्यून एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी इन फ्यूचर्स की वीडियोज़ आप नोटिफाइड रहे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना।